के पास पहुंच गए हम लोग. नाउ कम्स द बिग मोमेंट. वी हैव टू सी इफ इट वर्क्स. इट्स नॉट वर्किंग. ओपन द की लाइक दिस. आपको इसमें की दिखेगा. इनका यही हिसाब है. इसमें ये की है. दिस इज द की. सो वी कैन यूज दिस की. ओहो, गाड़ी हो गई चालू. अरे वेट करो यार, क्योंकि ये गाड़ी चालू होनी चाहिए. तो कल हम लोग एयरपोर्ट पे लैंड हुए, आई थिंक 12:45. अरे मैंने आपको बताया कि हम लोग कार लेके गए थे. मेरा एयरपोर्ट की पार्किंग में पार्क किया था. वहां तक पहुंचे तो कार स्टार्ट ही नहीं हो रही. आई डोंट नो व्हाट रियली वाज द प्रॉब्लम, बट आई एम काइंड ऑफ पिनिंग इट ऑन द की कार्ड. आई थिंक द की कार्ड मे हैव रन आउट ऑफ बैटरी. आई डोंट रिप्लेस इट अ फ्यू मंथ्स अगो. आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग. बहुत कुछ ट्राई किया हमने, लेकिन दैट डिड नॉट हेल्प एट ऑल. तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ एयरपोर्ट. मैंने स्पेयर की उठा ली है. स्पेयर की भी उठा ली और एक एक्स्ट्रा बैटरी भी उठा ली. और जो दूसरा की था कल वाला, उसका बैटरी रिप्लेस करा ले. एक स्पेयर बैटरी भी ले ली. होपफुली इट इज नथिंग अदर देन द की कार इशू. पार्किंग चार्जेस तो ऑफकोर्स बढ़ेंगे, बट एज अ स्पेट ऑफ बैड लक वुड हैव इट. ఇంకా చెప్తాం. ఓకేనా? బోట్ ఫ్లైట్ బట్ స్ప్రింగ్ కూడా. पहुंच गए मैं और शाही. अभी वो पार्किंग तक नहीं ले गए ओला वाला. पार्किंग दे रहा, जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अगर चाबी काम करी. चाबी अगर काम नहीं करी तो बहुत प्रॉब्लम. पार्किंग में जाने के लिए हम लोग को पूरा एयरपोर्ट जाना पड़ेगा. तो यूजुअली क्या होता है कि आप खुद की कार लाते हैं तो पार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओला उबर से आते हैं तो दे डू नॉट गेट यू टू द पार्किंग एरिया. अपेरेंटली दे गेट चार्ज अनदर 250 bucks. आवर विजिट हियर इज गोइंग टू बी ब्रीफ वन. यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा. हैदराबाद का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है. कभी कभी आपको आपका बोर्डिंग गेट ही इतना दूर हो जाता है कि आपको एक दो किलोमीटर चलना पड़ता है. आगे पार्किंग के आसपास, पार्किंग इज टू द लेफ्ट. पार्किंग के काफी क्लोज आ गए हम लोग. यस, आई थिंक अनदर 200 मीटर्स एंड वी शुड या फाइनली वी आर बोटिंग टू ओका. पार्किंग के पास वहां पे, यहां पे हमारी गाड़ी पार्क्ड है. यस, गाड़ी के पास पहुंच गए हम लोग. Now comes the big moment. We have to see if it works. It's not working. No, kya karenge? तो सोचा था ये की काम करेगा, लेकिन की काम नहीं कर रहा यार. तो अभी ये तो ये की है. की मैं बैटरी रिप्लेस कर दी मैंने, उसके बावजूद ओपन नहीं हो रहा. तो यू हैव कैन एक्चुअली ओपन द की लाइक दिस. अगर आप ओपन करते हैं आपको इसमें की दिखेगा. तो आजकल की लेस एंट्री वाले कार्स होते हैं, उनका यही हिसाब है. इसमें ये की है. दिस इज द की. सो यू कैन यूज दिस की. ओपन द कार. कार तो ओपन हो गया. कार के इस सेक्शन में एक हिस्सा होता है. ये यहाँ पे आप जो है की को निकाल के लगा सकते हैं. दैट्स व्हाट वी विल ट्राई नाउ. यू हैव टू पुट दिस की हियर. ओके,
Then you position the. सारे एफर्ट्स कोई एफर्ट्स काम नहीं आ रहे. बैटरी डिस्चार्ज हुआ हो सकता है क्या किसी अगर अपने को तो पता नहीं ना साई. तो हम लोगों ने सोचा था कि ये की कार्ड का प्रॉब्लम है. की कार्ड का बैटरी रिप्लेस कर लिया, स्पेयर की लेके आ गया, लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही. गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही. की कार्ड लेके आ गया, अभी बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई तो हो सकता है कि देखो बी द रीज़न. मैं सोचा की कार्ड से हो जाएगा काम, लेकिन की कार्ड से भी काम नहीं हो रहा. बिकॉज यू डोंट वांट टू लीव द कार फॉर अनदर नाइट एट द एयरपोर्ट. So he's trying to do all that he can. We're trying to see if YouTube can help us. And you would be feeling those vibrations on the video, I guess. Okay, security से बात की मैंने. तो पूछा अगर कोई help available तो बताइए. तो security guy said कि देखता हूँ, देखते हैं क्या कर सकते हो. क्योंकि वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू मोबिलाइज ऑल द हेल्प वी कैन. प्रॉब्लम है कि एयरपोर्ट पे है, बाहर होता तो कुछ करते. एयरपोर्ट से गाड़ी बाहर निकलना बहुत मुश्किल है. हालात देख के लग रहा है कि शायद बैटरी डिस्चार्ज हो गया है. अब व्हाई दैट हैपेंड आई हैव नो आइडिया. फिर क्या किया तो वो की का अंदर एक चाबी था डोर ओपन के लिए. वो इलेक्ट्रिकली स्टार्ट करने का कोशिश किया, वो नहीं हो रहा. जम स्टार्ट हुआ तो अच्छा रहता ना, इसलिए थोड़ा हेल्प कर लो भैया. रगड़ना का दे दो, रगड़ना का फोन दे दो. तो अभी एक आदमी से बात हुई है, साई का एक फ्रेंड है जो आसपास रहता है. उसने एक मैकेनिक से बात करवाई है, तो होपफुली वो आएगा. एटलीस्ट कोई आके गाड़ी तो देखे यार. यहाँ पे तो मैंने सिक्योरिटी को ही बोला था, लेकिन वो सिक्योरिटी वाला तो बोला किसी को भेजता हूँ और वो यहाँ से निकल गया. हैंड रेस किया मैंने. और दिस इज हियर, लेट्स सी व्हाट ही कैन डू. अरिफ इज अराइव्ड, दिस इज द मैकेनिक वी कॉल्ड फॉर. होपफुली ही विल बी एबल टू get the car going. Hoping कि आरिफ will be able to jump start the battery. यहाँ से गाड़ी निकाल के लेगा तो काफ़ी है, घर जाके तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा. ओहो, गाड़ी हो गई चालू. पेट्रोल ठीक ठाक है, पेट्रोल शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. डिस्प्ले इज ऑन. इसको अभी चालू छोड़ेंगे 10-15 मिनट. एक्चुअली वो बिचारी बात जंप स्टार्ट ने काम किया है. जस्ट एज वी सस्पेक्टेड इट वाज अ बैटरी ड्रेन आउट इश्यू. साई गुड जॉब साई, द कॉन्टैक्ट्स वर्क. गाड़ी फाइनली चालू हो गई. आरिफ भाई ने आके थोड़ा काम कर दिया. जंप स्टार्ट से चालू हो गई गाड़ी. लेकिन इसको 15-20 मिनट तक छोड़ेंगे इसको ऑन. उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि बैटरी को थोड़ा चार्ज होना ज़रूरी है. एक बार घर तक अगर मैं ड्राइव करके गया, विच इज़ अ गुड 15-20 किलोमीटर्स, इट शुड बी फाइन. दिस शुड चार्ज अप द बैटरी फुल. अरे वेट करो यार, क्योंकि गाड़ी चालू होनी चाहिए. कार हो चुकी ऑन, पेट्रोल ठीक ठाक है. अब इसको एक 15-20 मिनट ही छोड़ना पड़ेगा. थैंक यू आरिफ भाई, थैंक यू वेरी मच. ही गॉट द कार गोइंग, थैंक यू. सो आरिफ सेव द डे, थैंक यू. गाड़ी अभी चालू हो गई है. होपफुली इट विल हेल्प अस गेट होम इन जीता जी कृष्णा. ఇసా ఉంది దమా అడెన్స్ ఇట్టి పరిస్థితులు గాడి ఆఫ్ అవ్వద్దు. మనం కీ ఫర్ ఇట్స్ ఏ షాకింగ్ మ్యాన్ సార్. You are in stringent mode. Chalo pada. Fastag. Nahi hai sir. Fastag nahi hai.
ఫాస్ట్ ట్యాగ్ ఉందా? ఫాస్ట్ ట్యాగ్ ఉంది కదా. तो ठीक ठाक घर पहुंच गए हम लोग. वहां से एयरपोर्ट से निकले, पारिक भाई जो मैकेनिक थे उन्होंने वो आए, उन्होंने जंप स्टार्ट किया और उन्होंने ये भी बोला था कि भाई जरा गाड़ी संभाल के चलाना, गाड़ी को बंद मत होने देना थोड़ा टाइम. तो वो ड्राइविंग वेरी कॉन्शियसली वहां से निकला, ठीक ठाक आ गया, भाई को ड्रॉप किया, घर आ गया, गाड़ी बंद नहीं हुई. इनफैक्ट घर आके उसको पार्क करने के बाद मैंने 3-4 बार उसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया. सो लुक्स लाइक वेल दिस हैज ऑल्सो पास्ड. But then I have learned a few lessons. I have learned that I should know how to jumpstart a car if the battery goes dead. So all's well that ends well. But thanks to Sai, Sai ke contact kafi kaam aaye. Thank you guys. If you did watch the video, do subscribe to keep in touch, and I'll see you in the next one then. Take care. Bye bye.